आप देख रहे हैं अपना समाचार। एसपी प्रोडक्शन बोनस शॉट शगुन क्लैप। तो भी चलेगा सर, फीस मिलेगा और वीडियो बना लो। लुक 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 देखिए, मेरा गांव मेरा देश जैसा कि टाइटल है, बेहतरीन फिल्म होगी, बेहतरीन मैसेज जाएगा, एक साफ सुथरी फिल्म होगी और गांव का नाम आते वैसे भी एक जहन में ताजगी आ जाती है लोगों के, मेरे ही नहीं जो मेरे साथ एक्टर और एक्ट्रेस बैठे हुए हैं, कृतिका जी हैं और अयाज खान हैं, इनके भी दिल में आ गई होगी क्योंकि आपने सवाल ऐसा किया, आपकी मीडिया के दिल में भी आ गई होगी। लेकिन मेरा कहना है कि जिस जगह हम लोग रहते हैं बहुत प्यारी जगह है मुंबई, अपनों का शहर, मुझे बहुत लगाव है, पता नहीं क्यों, आई लव मुंबई। गांव से तो लगाव है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतना ही लगाव मुझे शहर से भी है। तो इस फिल्म में है ऐसा कि एक शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव जाता है और गांव में भी चाहता है कि वो सब चीज़ें हों जो सुविधाएँ नहीं हैं वो होनी चाहिए, तो यही कहानी है फिल्म की। तो नायक के साथ नायिका जुड़ जाती है, तो नायिका क्या करने वाली है आप, जैसे नायक के साथ नायिका? तो अब नायिका का सवाल, तो नायिका जवाब देंगी, क्या करोगी उनके साथ? अफकोर्स जैसा होता है, जैसे हीरो से प्यार करती, फिलहाल इतनी बता सकते। दो शेड है इसमें, एक शहर का होगा और एक गाँव का होगा। जैसे आपकी जो और फिल्में आई हुई है उसमें अलग अलग आपके से देखो, जो मुन्ना के नाम से भी आजकल आप, हाँ हाँ ये तो खैर सही है, मेरे प्रोड्यूसर हैं वसीम खान, उस फिल्म के उन्होंने बेहतरीन फिल्म बनाई मुकद्दर, और उसमें अयाज खान ने बहुत बेहतरीन काम किया, उसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता कि अयाज खान ने बहुत सारी फिल्में की हैं, आज जिधर से निकलते लोग जानते हैं, लेकिन मुकद्दर में जो इन्होंने किरदार किया है वो इनका सबसे अलग किरदार है, और मेरा भी किरदार बहुत बेहतरीन था, केसारी जी का किरदार बहुत बेहतरीन था, फिल्म काजल जी का किरदार बहुत बेहतरीन था, काजल जी उसी फिल्म से प्रेरित होकर गाना शुरू कर दी, इतना अच्छा किरदार था उनका कि उनको उसमें सिंगर का रोल था और वो सिंगर बन गई। प्रोड्यूसर देखिए इसमें प्रवीण ताज जी हैं, और उनकी सोच है कि एक बेहतरीन फिल्म बनाने की, एक साफ सुथरी फिल्म बनाने की, और डायरेक्टर राजू जी हैं जो आप जानते हैं, उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, पवन जी को लेके, अभी उनकी लेटेस्ट फिल्म केसारी जी को लेके कंप्लीट हुई है, तो बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, मजे हुए डायरेक्टर हैं, अच्छी फिल्म बनाएंगे। मुझसे बात की है कि भले ही उतने बड़े कलाकार नहीं हैं इस फिल्म में मुझे लगता, उसके बावजूद भी बेहतरीन फिल्म होगी, और जब बेहतरीन फिल्म होगी तो दर्शक पसंद करेंगे। जी हाँ, मैं राजू जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, इवन जो फिल्म की प्रोड्यूसर हैं उनके साथ भी, और यही चाहूँगी कि जब ये फिल्म रिलीज़ हो आप इस फिल्म को बहुत सारा प्यार दें और इस फिल्म को ज़रूर देखें। मैं जो है एसपी प्रोडक्शन और प्रवीण ताज जी को, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राजू जी, और इस फिल्म के जितने भी पात्र हैं, जितने भी एक्टर टेक्नीशियन, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारे प्रोड्यूसर का आज बर्थडे भी है और आज फिल्म की मुहूर्त हुई, जिस तरह से फिल्म की शुरुआत हुई मुहूर्त से, उसी तरह इस फिल्म को हम लोग अच्छी तरह बनाएं, और इंशाल्लाह जल्दी ये फिल्म शुरू होगी, फरवरी में के फर्स्ट वीक में, और यूपी के लोकेशन में शूट होगा, और इसमें शमीम खान जी हैं, रितिका जी हैं, मैं हूँ, सोनिया जी हैं, पलक तिवारी हैं, और भी जो है एक्टर्स हैं इसमें। तो यही ख्वाहिश रहेगी मेरी, यही रहेगी कि सब लोग मिलके जो है अच्छे से काम करें और इस फिल्म को अच्छे से बनाएं। यस, अयाज जी, हाँ यूपी से हूँ मैं, और यूपी में जो है गाजीपुर में एक गांव है महन, और काफ़ी पॉपुलर गांव है, और याद तो ताज़ा ज़रूर होती है क्योंकि जो ज़िंदगी, जो बचपन जो है गाँव की गलियों में गुजरा, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई, और उसके बाद मैं बनारस आया था, मुझे लगता है कक्षा 8 के बाद मैं बनारस आया था, तो उससे जो बचपन था मेरा जो है गांव में ही गुजरा। आज भी गांव में जाओ तो गांव के अगल बगल के जो गांव है वहां से भी लोग मिलने के लिए आते हैं, उनको ये लोग वहां के जो एक लाइन जो बोलते हैं कि हम लोगों को इतनी खुशी होती है कि
अगल बगल वाले गांव वाले बोलते हैं, गांव की तो बात छोड़ दीजिए, कि हम लोग को इतनी खुशी होती है कि कोई पूछता है कयास खान हमारे गांव का है, हम लोग बोलते हैं हमारे गांव का है, क्योंकि आप लोग जो है हमारे गांव की शान हो। तो नो डाउट अल्लाह का शुक्र है कि इतनी बड़ी जो है उपलब्धि मुझे मिली, और मैं हमेशा यही कोशिश करूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फैन हैं, हमें ऐसी प्यार देते रहें, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग आप लोगों को अच्छी अच्छी फिल्में देते। हाँ सही में, इससे पहले मैंने मुकद्दर किया था और फिल्म काफ़ी अच्छी गई थी, हमारे दर्शकों ने जो है पूरी फिल्म को, हम सभी का आपके काम को पसंद किया था, और इस ईयर मैं जो है इस मुकद्दर फिल्म के लिए नॉमिनी था मैं पुष्पुरी अवार्ड 2018 में, और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग फिर एक साथ काम कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हमने जो मुकद्दर में किया उससे भी अच्छा, उससे भी ऊपर काम करें। मुठभेड़ देखिए ये क्या है, मुझे लगता है कि इनसे खतरनाक विलन तो है नहीं भोजपुरी में, किसी को लगता है वो अलग बात है, मेरे लिए तो मुझे लगता है कि जो पर्सनालिटी इनकी है उस हिसाब से तो अगर ज़बरदस्त फाइट नहीं होगी तो दर्शकों को मज़ा नहीं आएगा। तो जिस तरह मुन्ना और रणवीर की लड़ाई देखी थी, मैं चाहूँगा इस फिल्म में देखने को मिले। और एक फिल्म कर रहे हैं हम लोग, मैं हूँ मजनू तेरा, उसमें भी साथ में है, तो दर्शकों का प्यार भी मिल जाए साथ ही, हमारे कहने से नहीं होता, दर्शकों ने जैसे मुकद्दर को पसंद किया तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी हर फिल्म चले, ऐसा हो नहीं पाता है, उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। तो मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट है, मीडिया अगर साथ देती है तो फिल्म अच्छा बिजनेस करने में काफ़ी मदद होती है। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो उनके बर्थडे के हिसाब से ही ये मुहूर्त हुआ है, कोई इतना बड़ा मुहूर्त का उनका ये था नहीं, एक छोटा सा उनको सबको शगुन देके फिल्म की शुरुआत करनी थी, तो इसलिए। और प्रवीण जी का जो आज बर्थडे था, सबने सेलिब्रेट किया, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, अयाज जी ने, रितिका जी ने, और अपने कैमरामैन, हमारी मीडिया आई हुई है, मीडिया ने, जैसे रामचंद्र हमारे पीआरओ हैं, पूजा जी थी, और बाकी हमारे जितने फोटोग्राफर्स हैं सभी ने। तो मैडम यहाँ से शुरुआत कर रही हैं, मेरी दुआएं हैं कि फिल्म बेहतरीन फिल्म बनाएं और लोगों को पसंद आए, ताकि आगे भी फिल्म वो बनाएं, यही मेरी दुआएं। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि हैप्पी बर्थडे, और आप ऐसी फिल्म बनाती रहे, हमेशा बनाती रहे, और हम लोगों को काम देती रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं है ऐसा, एक्चुअली संजोग, हाँ संजोग, संजोग है, इसमें कोई शक नहीं, भोजपुरी में संजोग और हिंदी में संयोग, हाँ संयोग वही हो गया, संजोग संयोग हो गया, क्योंकि जब हम निकले थे तो सही भाई को भी नहीं पता था, जब रेट भाई ने ये भी रेट, हाँ ये सच्चाई है कि बहुत जो है एक छोटे से माहौल में इस फिल्म की जो है मुहूर्त हुई, लेकिन क्या होता है सबसे बड़ी चीज़ होती है, बड़ा छोटा नहीं, सबसे बड़ी चीज़ होती है वहाँ का वातावरण, वाइब्रेशन, तो यहाँ का जो वातावरण, जो वाइब्रेशन रहा बहुत पॉजिटिव रहा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसी वाइब्रेशन हम लोग का जो है सेट पे भी रहे, फिल्म में भी रहे, और एक अच्छी फिल्म बनाए, क्योंकि हमारे दर्शक जो है हम लोगों को इतना प्यार देते हैं, हमारी फिल्में देखने आते हैं टाइम समय पैसा निकाल के, तो हम लोग की कोशिश होनी चाहिए, हमारी जो इंडस्ट्री की कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग अच्छी फिल्में दें, कि जो है हमारे जो दर्शक जो अपना कीमती समय पैसा लगा के आते हैं उनको फुल टाइम पास फिल्म दें, ऐसा ना कि आए तो बोले यार क्या फिल्म था, तो ये कोशिश होनी चाहिए, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा काम करें, अच्छी फिल्म दें हमारे दर्शकों को। देखिए फिल्म तो आज के जरूर की होगी, क्योंकि देखिए उसमें बहुत दिग्गज कलाकार थे, बहुत ही दिग्गज, जिनके मतलब दुनिया आज भी दीवानी है उसमें कोई शक नहीं, धर्म पाजी थे, विनोद खन्ना साहब थे, इतनी बेहतरीन फिल्म थी, इतने अच्छे गाने थे, उसका तो कोई जवाब नहीं है, और अगर हम उस फिल्म से तुलना करेंगे तो ये गुस्ताखी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, मैं कोशिश करेंगे कि हम नहीं नहीं मैं फैक्ट बोलता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आज के जनरेशन को भोजपुरी के हिसाब से, भोजपुरी ऑडियंस को ये फिल्म बेहतरीन फिल्म लगेगी, बेहतरीन फिल्म बनेगी, बेहतरीन गाने होंगे, बेहतरीन लोकेशंस होंगे, और एक मसाला फिल्म होगी जो दर्शकों को पसंद आएगी। ये सच्चाई है, हीरो की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, एक दो सीढ़ियाँ बढ़े भी हैं ये,
और ये सच्चाई है, उसमें विनोद खन्ना विलन थे, धर्मपाजी हीरो थे, इसमें मैं हीरो हूँ, ये विलन है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बहुत जल्द हीरो बन जाएं, ये मेरी दुआएं हैं बिल्कुल। और कई लोग इनको बोलते भी हैं, मेरे सामने भी कई लोग बोले कि यार आप मार क्यों खा रहे हो, मार खाते हो बहुत यार, बहुत बुरी तरह से मार खाते हो, मत मार खाओ। तो लोगों को दर्द होता है कि ये मार ना खाएं, मतलब मैंने ऑडियंस को देखा है मारे खाली नहीं, मतलब ये भी मारे किसी को। हाँ, अभी मार कहाँ पाएंगे, जब विलन रहेंगे तो मार खाना ही पड़ेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रोल इतना पावरफुल हो इनका कि ताकि लास्ट तक ऑडियंस को लगना चाहिए कि इनकी विलन की एक इमेज जो है उसको कायम रखें। मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छी फिल्म बन रही है और साफ सुथरी फिल्म बन रही है। जो लोग भोजपुरी नहीं देखने आते, मतलब उन्होंने छोड़ दिया कि कौन भोजपुरी देखने जाएगा, इसमें तो ये है वो है, पर अच्छी फिल्म है, आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, यही कहना चाहूँगी मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बेहतरीन साफ सुथरी फिल्में बननी चाहिए। और मैं बिल्कुल अश्लीलता के खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शायद मुझे कोई रोल ऐसा ऑफर किया जाए तो शायद मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं, लेकिन मैं मना भी कर सकता हूँ। हमारी जो है स्टोरियाँ उतनी गंदी नहीं होती, हमारे जो गाने होते हैं वो डीआरसी होते हैं, तो कोशिश ये करना चाहिए गानों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि गाने जब गाने आते हैं ना हमारे फिल्म के, तो फिल्म का मूड ही कुछ और चला जाता है। उस फिल्म के जो गाने के जो बोल होते हैं और गाने के जो पिक्चराइजेशन होते हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं कि हम शायद अपने जो है घर के जो है औरतें बहनें या छोटे बच्चों के साथ नहीं देख सकते। तो कोशिश वही होनी चाहिए, हम उतने बड़े एक्टर तो नहीं, उतने बड़े स्टार तो नहीं है, लेकिन हम सबको मिलके करना चाहिए कि जो गानों में जो है, गाने के शब्दों में जो है, जो बोल में जो मीनिंग्स हैं और जो उसका पिक्चराइजेशन है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक बढ़ेंगे और अच्छे दर्शक आएंगे और पढ़ा लिखा वर्ग भी आएगा।